हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी ओप्पो A12 में यदि इसका माइक वर्क नहीं करता है, ठीक है, यदि इसका माइक वर्क नहीं कर रहा है तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसका माइक का जो वोल्टेज होता है, दोस्तों हमारे माइक में दो वोल्टेज आता है, एक होता है इसका पॉजिटिव वोल्टेज और एक होता है इसका बायस का वोल्टेज, इन वोल्टेज का क्या काम है इनको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहां पर ये सीसी बोर्ड में यहां पर हमारा इसका माइक लगा रहता है, ठीक है। यहां पर ये माइक है, ये इस माइक शील्ड के अंदर है। यहां पर ये यहाँ पर जो माइक रहता है वो हमारे इसमें माइक रहता है, ठीक है, यह वाला। और उसके तीन पॉइंट होते हैं, जो ये वाला पॉइंट होता है वो तो होता है इसका माइनस का पॉइंट, ग्राउंड वाला, ठीक है। और उसके बाद में जो ये इधर वाला पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा इसका बायस का वोल्टेज, ठीक है, जिसको मैं B से लिख देता हूँ। बायस का वोल्टेज क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। और इधर रहता है हमारे इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज, ठीक है। अब दोस्तों ये बायस का वोल्टेज क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो हमारा माइक का काम क्या होता है, जो आप ये वाला माइक देख रहे हैं, इस माइक का क्या काम है, इस माइक का काम है हमारे ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है ये माइक, ठीक है। समझ में आया, माइक का काम क्या है, हमारे ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है हमारा इसमें माइक, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर एक सर्किट होता है जो ये सब काम करता है, मतलब जो माइक होता है उसको सही ढंग से काम करने के लिए जिस वोल्टेज की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं बायस का वोल्टेज। मतलब इसके अंदर एक सर्किट होता है, सर्किट बना होता है, वो सर्किट हमारे ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल में बदलता है। उसी सर्किट को बिजली देने के लिए, मतलब उसी सर्किट को सही ढंग से काम करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है उसको हम कहते हैं बायस का वोल्टेज, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब दोस्तों ये बायस का वोल्टेज है वो हमारे यहाँ पर, मैं इस रेड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। जो ये बायस का वोल्टेज है वो हमारे इस वाले कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर आता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप जो देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पर इसका बायस का वोल्टेज आता है। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो प्लस वाला वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज, वो आता है हमारे यहाँ पर इस वाले रजिस्टर में, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले रजिस्टर में आता है। ये रजिस्टर वापस सीरीज के अंदर रहता है। और उसके बाद दोस्तों ये सीधा हमारे इस जो मेन कनेक्टर है सीसी बोर्ड का, इस कनेक्टर पर यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। इसकी सप्लाई यहाँ पर और इसकी ये वाला बायस का वोल्टेज, ठीक है। अब दोस्तों आता है वो बायस का वोल्टेज आता है, सबसे पहले तो इसकी पॉजिटिव वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं। जो चार नंबर पिन होती हैं इधर से जब आप काउंट करोगे तो ये चार नंबर पिन है, इस पर तो आता है हमारा इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज माइक का, ठीक है, माइक का पॉजिटिव वाला वोल्टेज। और उसके बाद में इसके पास वाले जो पिन है उस पर आता है हमारे इसका बायस का वोल्टेज, ठीक है, जिसको मैं B से लिख देता हूँ। बायस का वोल्टेज आ गया। अब दोस्तों ये जो बायस का वोल्टेज होता है वो हमारे इस मेन कनेक्टर में आ जाता है। मेन कनेक्टर में नीचे की तरफ जो चार नंबर पिन होती है इसमें, ठीक है, नीचे की तरफ जो चार नंबर पिन होती है उसमें रहता है हमारे इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये देखिए चार नंबर इस पर आ गया इसका पॉजिटिव वोल्टेज, और उसके बाद में इस वाले पॉइंट पर इसका आ गया बायस वाला वोल्टेज, ठीक है, बायस वाला वोल्टेज आ गया। और उसके बाद दोस्तों जो ये पॉजिटिव वाला वोल्टेज है वो पॉजिटिव वाला वोल्टेज हमारे यहाँ पर इस जो मेन पावर आईसी है, इस मेन पावर आईसी की यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर हमारे इसका पॉजिटिव वोल्टेज आता है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। और पहले इस वाले कैपेसिटर में जाता है, ये देख सकते हैं इस वाले कैपेसिटर में जाता है, उसके बाद इस पॉइंट में जाता है, उसके बाद हमारे इस कैपेसिटर के अंदर जाता है, ये कैपेसिटर वापस सीरीज के अंदर रहता है इस वाले पॉइंट पर, और उसके बाद इस वाले पॉइंट से सीधा हमारे इस पावर आईसी में चला जाता है। अब दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला कैपेसिटर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला कैपेसिटर अगर निकल जाता है रिपेयरिंग करते समय या फिर शॉर्ट हो जाता है तो आपका माइक बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप कितने भी माइक और सीसी बोर्ड चेंज कर लो, और उसके बाद जो इसकी जो ये बायस का वोल्टेज होता है वो आता है दोस्तों हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये बायस का वोल्टेज है। उसके बाद में जो ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अंदर यहाँ पर हमारा बायस का वोल्टेज आता है, अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो भी हमारा ये बायस का वोल्टेज वर्क नहीं करेगा, जिससे हमारा माइक वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेना है कि आपको इसमें माइका वोल्टेज जो सप्लाई है वो कहाँ तक पहुँच रही है या कहाँ तक नहीं पहुँच रही है। दोस्तों मैंने इसका जो कंप्लीट ट्रैक है वो आपको बता दिया कि हमारे इसमें किन कंपोनेंट से होते हुए हमारे कौन सी आईसी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका वेज होता है। ये इसका पॉजिटिव वाला लाइन है और ये है इसके माइनस वाली लाइन। तो दोस्तों इस तरीके से होता है हमारे ओप्पो A12 में यहाँ पर इसका ठीक है माइक का वेज और ट्रैक। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।